अपने भाई के जिंदा होने पर खुश हो। नहीं गन पॉइंट नहीं रहेगी, गन पॉइंट हो चुका है। अजीम बढ़ाने नहीं लगेगा भाई। आश वो शत प्रतिशत जीवित है। इसका मतलब उस पुलिसिये ने कम उसे से झूठ बोला। इसका मतलब टीटू जिंदा है। अरे मेरा टीटू जिंदा है, मेरे भाई जिंदा है। अरे मेरे पंडित जी, अरे मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं उस पुलिसिये की बात पर गुस्सा करूं या पैर जो क्या करूं। नाइस। मतलब उसने मुझे झूठ बोला। मेरा टीटू जिंदा है। अरे मेरा टीटू जिंदा है यार। ओहो अरे भाई समझ गया पंडित जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ। अब मैं पुलिस वाले के ऊपर गुस्सा हूँ या अपने भाई के दिलावर में खुश हूँ। आज वो शत प्रतिशत जीवित है। क्या बोल रहा है ना भी करें। आज वो शत प्रतिशत जीवित है। इसका मतलब ये है कि वो पुलिस वाले ने कामोशा को झूठ बोला है और मेरा भाई टीटू जिंदा है। अरे सुनो तुमने, अरे मेरा भाई टीटू जिंदा है। अरे पंडित जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो पागल हो रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी बात पर गुस्सा करूं या अपने भाई के जिंदा होने पर खुश हो जाऊं। क्या नाइस बोला। मुझे समझ नहीं आ रहा वहां से कि मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ तक हो गया कि मैं पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक हो गया। अरे क्या कि मैं पुलिस वाले के झूठ में गुस्सा हूँ या अपने भाई के जिंदा होने पे खुश हूँ। मेरा टीटू जिंदा है। टीटू आराम है, टीटू किधर है तू? ये ना इसका। अरे पंडित जी मैं तो पागल हो जाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस पुलिस वाले के झूठ पर गुस्सा हूँ ये अपने भाई के जिंदा होने में खुश हूँ। आप इस समय दोनों भावों को समानता रूप से जागरूक कर सकते हैं। थॉट लेके निकलिएगा। कट। ओके बाद
या लुक से पीछे ट्रैक पीछे ट्रैक पीछे ट्रैक चलेंगे लुक पे पूरा पीछे फास्ट ट्रैक बोलिंग लुक पे फास्ट ट्रैक बोलिंग एक्शन कमाल हो गया ये तो कमाल की बात हो गई जजमान इससे ज्यादा कमाल की बात तो हो ही सकती गन उठाया ओके चलो पंडित का बिठा दे रही कुछ लो तू कहता कि कमाल हो गया रो रो कर मुझे जुकाम हो गया है अब तू कहता कमाल हो गया पंडित अब तो तू इस दुनिया में नहीं इस ग्रह पर नहीं तो किसी और ग्रह पर टेक कर एक्शन पंडित मेरा भाई टीटू इस दुनिया में नहीं रहा और तू कहता है कि कमाल हो गया रो रो कर मुझे जुकाम हो गया है और तू कहता है कमाल हो गया पंडित अब तू इस ग्रह में नहीं किसी दूसरे ग्रह में जाने के लिए तैयार हो जा नहीं जजमान नहीं जरा रुकिए मेरा कहने का यह मतलब था कि जो भाई इस दुनिया से जा ही नहीं सकते क्या जी ये देखिए उनकी कुंडली देखिए कितने पैर चल और बंदूक नहीं होती भेजो बंदूक होती है यार और मुझे सीधा साधा सीधा सीधा बता वरना मैं वो देखिए अगर बंदूक की गोली की दिशा देंगे चलिए चलेंगे रोल रोलिंग एक्शन ओ पंडित उस पितौल की गोली की दिशा देख और मुझे सीधा सीधा बता पंडित अब तू इस पिस्तौल की दिशा देख ले और मुझे सीधा साधा बता वरना मैं तुझे दूसरे ग्रह की दिशा दिखा दूंगा समझा लाइन बन लाइन बन सीधा साधा सीधा पंडित इस पिस्तौल की दिशा को देख और मुझे सीधा सीधा बता वरना मैं इस पिस्तौल की गोली से तुझे दूसरे ग्रह की दिशा दिखा दूंगा समझे जी जी कट ओके पनीर ले लिए यहां तक हो गया नहीं ये कह रहे थे कि टीटू भाई साहब को 40 वर्ष तक कुछ नहीं होगा उनके ग्रहों के अनुसार 40 वर्ष तक कुछ नहीं होगा और उसके बाद भी सिर्फ एक जुकाम दिखा ये देखिए और वो 100% जीवित है का मतलब तो पुलिस वाले ने कामोशा से झूठ बोला और इसका मतलब ये कि मेरा भाई टीटो जिंदा है अरे सुना मेरा भाई टीटो जिंदा है मेरा भाई टीटो जिंदा है अरे पढ़ दी या नाइस अभी गुस्से में देखिए उसको देखते ही नाइस देखते ही देखिए एंड लुक डाउन फील डाउन नाइस उसको छूटा फेस गुस्सा देखिए नाइस कट ओके फेस एंड बिल्कुल नहीं फेस एंड कॉम्पैक्ट शॉट रोलिंग एंड रोलिंग एक्शन अरे रिपोर्टर की औलाद मेरी बात गौर से सुन जाके अपने भाई को बोल दे अगर उसने समझदारी में कोई भी हरकत की तो लाहौशा के पास का रिपोर्ट है रिपोर्टर की औलाद जाके अपने भाई से बोलते अगर उसने कोई भी समझदारी वाली हरकत की तो कामोशा के पास उस बम का रिमोट है बस इधर बटन दबेगा उधर
तुम्हारा सारा खानदान ब्रम। बुड़म में शर्ट दिखा। थिंक कैरेक्टर खामोशा का कैरेक्टर श्री देविया में मिला, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। आपको कैसे मालूम इंटरेस्टिंग? शूटिंग देख रही थी। हाँ। अच्छा लगा ना? हाँ। बस सब टीवी वालों ने सोचा कि मैं इसको जस्टिफाई करूंगा, तो इसलिए मुझे उन्होंने दिया और मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने इसको हाँ कर दिया। और इसी मैंने एक चीज की है, वो बोलते ना आजकल सेल वेल लगती है दिवाली की, दशहरे की, न्यू ईयर की, उसमें होता है कि बाय वन गेट थ्री फ्री। तो इस सीरियल मेरा नाम है गामोशा। अब उन्हें गामोशा क्या होता है, तो रंजीत तो है ही, तो मैंने गब्बर का गा ले लिया, मोगाम्बो का माँ ले लिया और शाकाल जो बड़े बड़े विलन के रोल हुए ना उसका शाह ले लिया। तो मिला के गामोशा बना दिया और वो गामोशा जो अपने अंदर ले आया हूं, तो बाय वन एंड यू गेट थ्री फ्री, तो फोर इन वन हो गया है ना। सो सर आपके भाई, इसमें क्या होता है कि देखिए मोस्टली बड़े बड़े विलन, बड़े बड़े हीरो, इन लोगों के साथ मेरा मुकाबला होता है। इसमें एक ही डिफरेंट है कि तीन लड़कियां हैं जो इसका मुकाबला करने वाली हैं, तो उस वही एक टसल है कि ये इसको कैसे संभालेंगी और ये उनका क्या असर करेगा। क्योंकि सब टीवी पे जो शो होते हैं, मैंने पहले भी इनका किया था जुगनी चली जलंधर, काफी चला था, और इनके शो में वल्गैरिटी नहीं होती। सी मैं काफी पिक्चर करता था पहले, तो जब ये वल्गर डायलॉग और डबल मीनिंग के डायलॉग शुरू हो गए थे तो मेरे को काम में इंटरेस्ट चला गया था। मैं बोला यार ये बस एक दिन रंजीत मर जाएगा, ये वाजी उसने 700 पिक्चरों में काम किया, 800 पिक्चरों में काम किया और जॉब सेटिस्फेक्शन है, तो मुझे वो जो वल्गर डायलॉग डबल बीटिंग डायलॉग्स और बोलने में मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने काम बंद कर दिया था। पर टीवी पे ये फायदा होता है कि जो हमने सारी जिंदगी जो हमें स्टैंप लग जाती है, रोल लिमिटेड होते हैं, टाइम भी लिमिटेड होता है, क्योंकि ये पिक्चर तो 2 घंटे 2.25 घंटे या 1.5 घंटे की होती है। तो सीरियल में अगर आपका काम अच्छा है, करेक्टर अच्छा है, तो एक्टिंग का स्कोप मिलता है ना। और मेरे जैसे आदमी को अभी मुझे अपने किचन चलाने के लिए तो रोल नहीं करने है ना, बस इतना है कि जॉब सेटिस्फेक्शन दिल में, हाँ यार आज काम किया, सीन किया तो मजा आया। अभी जैसे अभी आपने बोला कि आपको इंटरेस्टिंग लगा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, हालांकि आपने तो सीन ही देखा है ना, तो यही एक रीजन है। और ये बड़ी अच्छी एक कहानी है, साफ सुथरी, जो सब परिवार वाले देख सकते हैं ना। तो ये आता है 9:30 सब टीवी पे। नहीं डार्लिंग, देखो पावरफुल तो औरत लड़कियां पहले भी होती जब से इंसान बना है ना। अब क्या है कि बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ योर प्रेस एंड इंटरनेट एंड ऑल दैट, ये चीजें जरा आपके बेडरूम तक, बेडरूम से बिस्तर तक आ गई है ना, जिसकी वजह से ये बहुत ही अलाइनमेंट हो गई है ना ऑल दैट। तो औरत की इज्जत तो पहले भी की जाती थी, माँ माँ होती थी, बहन होती थी, बच्ची होती थी, और बाजू वालियाँ जो होती चाची चाची आंटी वगैरह सब होती थी। तो औरत का तो एक इंसान को इज्जत करना चाहिए। हालांकि मैं विलन के रोल करता रहा हूँ, साड़ियाँ खींचता रहा हूँ, दुपट्टे फाड़ता रहा हूँ, और हीरोइन तो हमेशा गालियाँ निकालती थी, कुत्ते के महीने छोड़ दे मुझे। तो अल्टीमेटली वो यही दिखाया जाता था कि जो विलन है ये अगर ऐसे काम करेगा तो क्या दुर्दशा होगी उसकी, या तो मरेगा या फांसी चढ़ेगा या वैसे गोली से मरेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कभी कोई बात होती है जैसे आपसे कर रहा हूँ, कि पर्सनल लाइफ में ये तो हमारा पेशा है, अगर मुझे विलन का रोल देंगे और जब तक मैं उसको परफॉर्म करने के बाद मुझे गाली नहीं पड़ेगी, इसका मतलब मैंने अच्छा नहीं किया, तो पीपल शुड हेट मी यू नो लाइक दैट काइंड ऑफ। तो ऐसा है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, जो आता गया काम करता गया, इतने साल अभी 50 साल हो गए, तो इसमें भी औरत को तो पावरफुल तो पहले भी थी, हमारे बड़ी बड़ी आपने सुना झांसी की रानी, महालक्ष्मी, सीता, फलाना, काफी कैरेक्टर्स हैं, दुर्गा,
तो वो तो है ही, माँ माँ होती है, बीवी बीवी होती है, यू नो। हीरो बनना तो बहुत आसान होता है, लाइक गुड लुक्स हो, एक्टिंग अच्छी हो। एक विलेन, विलेन का लाइफस्टाइल एकदम अलग होता है, उनका उनके लिए कितनी डिफिकल्टी होती है। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मेरे लिए तो क्या हुआ कि मेरी कोई बैकग्राउंड एक्टिंग वैक्टिंग थी नहीं, यू नो। मैं दिल्ली में था, कॉलेज में पढ़ता था, हिंदू कॉलेज में, तो एयरफोर्स ज्वाइन किया, फिर वहाँ से कोई रीज़न की वजह से निकाल दिया गया, और उसके बाद कॉलेज तो छूट चुका था बिकॉज बीच में ब्रेक हो गया। तो उन्हीं दिनों मुझे एक कैरेक्टर मिला, मुझे उसने बोला कि फिल्मों में काम करोगे। मैं कभी फिल्में देखता नहीं था, पर सुना हुआ था कि ये जो फिल्म वाले आते हैं बॉम्बे से, ये पंजाब में या नॉर्थ में लड़के लड़कियों को झूठ बोल देते हैं, वादे कर देते हैं, फिर एक्सप्लॉइट करते हैं, मौज मस्ती करके चले जाते हैं। तो एक दिमाग में खुन्नस थी, मैं अच्छा देखता हूँ ये क्या करेगा, बड़ा क्या कर सकता है। तो मैंने उसको हाँ बोल दिया। तो पर वो प्रोड्यूसर जेन्युइन निकला, फ्रॉड नहीं था, पर वो पीछे बने भी नहीं, पर उसकी वजह से मैं बॉम्बे गया, है ना। और बाद में किस्मत में एक्टर बनना लिखा हुआ था, तो एक्टर बन गए। और मुझे रोल पहले तो भाई के रोल मिले थे, पहले जो सावन भादो मेरी पिक्चर थी, फिर रेशमा और शेरा थी, शर्मिली में मैंने कुछ ये ग्रे शेड, जिसकी वजह से आज मुझे रेप स्पेशलिस्ट बोलना शुरू कर दिया लोगों ने तो बड़ा फनी लगता है। एंड जैसे जैसे रोल मेरे पास आते गए मैं करता गया, मेरे में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि अब मैं लाइन को चेंज करूं या ट्रैक को चेंज करूं। जब तक लोग मुझे पसंद कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, मैं रोल भी आता था, मुझे लेता था, तो मैं हमेशा यही सोचता था यार ये तो उसकी प्रॉब्लम है, उसे मुझे कौन सा रोल देना है। और मैं अपने लिए तो था नहीं कि मैं अपने को भी ऐसा प्रोड्यूसर ढूंढूं जो मुझे हीरो बना दे और मैं भी गाने गाऊं। रोल रोल होता है, हालांकि ये आपने जैसे बोला कि मुश्किल होता है ना, बाकी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं देखिए अभी मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, और मेरी सिर्फ सोशल ड्रिंकिंग होती है कि पकड़ लिया, जैसे कोई मेरे घर में पहली बार आया मैं उसको ड्रिंक ऑफर करूँ तो नेचुरली दिल फील ऑकवर्ड, यू नो, अकेले पी रहे तो मना करते थे यार अब अकेले क्या पीना, चल चल मैं भी तेरे साथ पकड़ लेता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती, मेरे अंदर से वो अर्ज होती है ना, चल शाम हो गई दारू निकालो, चाहे बर्फ गिर रही हो। मैं मोस्टली आई एम बीन ब्रॉट अप ऑन दूध दही मक्खन पराठे वराठे खाने वाला आदमी हूँ, बस ये बैंक बैलेंस वही चल रहा है ऑल दैट, और मजा आ रहा है। पहले फिल्में की, फिर टीवी भी किया, और फिर उसके बाद थिएटर भी किया, तो इस तरह कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। आई डोंट हैव ए कॉम्प्लेक्स कि ये वो है, छोटा स्क्रीन है बड़ा स्क्रीन है। नहीं तो लोग पहले थिएटर में आते हैं, फिर टीवी में आते हैं, फिर हीरो बनते हैं उधर फिल्मों में, तो मेरा जो डेस्टिनी थी उसके हिसाब से चल रहा हूँ। तो आपने इतना डिफरेंट डिफरेंट लेवल देखा है, तो आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा कि आप एज अ एक्टर बॉलीवुड में अच्छे थे कि टीवी सीरियल में? नहीं, बॉलीवुड में क्या होता है, मैंने बोला वहां तो टाइमिंग फिक्स होता है, जो पिक्चर का टाइमिंग होता है 1.5-2 घंटे की पिक्चर होती है, उसमें उन्होंने गाने भी डालने होते हैं, उसमें हीरो भी होता है, हीरोइन भी होता है, और कैरेक्टर्स भी होते हैं, वो सबको जस्टिफाई करना होता है, तो उन स्टोरीज में साइड के एक्टरों के लिए ज्यादा रोल नहीं होता है, बहुत कम होता होगा। जैसे मैंने कई पिक्चरें की, लवारिस हुई, नमक लाल शराबी एन ऑल, राजपूत ना, काफी पिक्चरें आई हैव डन 400-500 पिक्चर्स, तो उसमें एक स्कोप नहीं होता, लिमिट होता है। अभी जैसे इसमें इसमें क्या है कि आपका रोल जो है एक तो डिफरेंट है जो रोज रूटीन करते हो, और फिर एक्टिंग करने का थोड़ा मजा भी आता है, इन द स्कोप, यू नो, जॉब सेटिस्फेक्शन होती है कि आज अच्छा काम किया। फिल्मों में तो जो है वही हमें सेम एक इमेज बन जाती है, उसके हिसाब से करना पड़ता है, उसमें तो स्विच ऑन है जमिया क्या कर रही हो, डाल दैट, थोड़ी आंखें ऐसे कर ली, बना शूटिंग कर दी, और इसमें शरीफ भी बनना पड़ता है, बदमाश भी बनना पड़ता है, बुजुर्ग भी बनना पड़ता है ना, इट्स लाइक दैट, आई एंजॉय दिस। मैंने अपनी जिंदगी में अपने करियर का प्लान नहीं बनाया, मैं जब से हुआ फिल्मों में आया उसका भी प्लान नहीं बनाया था, और मैं मोस्टली आई डोंट, यू नो, मेरे घर में कोई ना कोई मेहमान आते ही रहते हैं, 5-10 लोग आ गए तो इंजॉयमेंट हो गई, नहीं होती तो मैं वैसे भी इंजॉय कर लेता हूँ, मुझे ऐसा नहीं, और मैं कभी ऐसे प्लान बनाता ही नहीं हूँ, जैसा उस दिन होगा वैसा मान लिया जा, बाकी मैं अपनी तरफ से मायापुरी के दर्शकों को
आने वाले नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आप सबको प्यार कीजिए, सबको प्यार बांटिए, बाकी ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, जिंदा रहिए, ऐश कीजिए। That's all. Thank you. त्री देवियों के फैंस को यही कहूँगा भाई, ये बड़ा अच्छा शो है, आप तो देखते ही हैं। अब मेरे आने के बाद में देखो कैसा कलर चेंज होता है, आप कोशिश कीजिए, देखिए, और पसंद आएगा तो लिखिए चैनल वालों को, बताइए, फिर मेरे और रोल क्रिएट करेंगे, या अपना सजेशन दीजिए कि मेरा काम ठीक है या नहीं है, उसको ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, उसी तरह करेंगे कुछ। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम।